हेलो गाइस, मैं कृषु एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपका सीन ड्रीम्स में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें ताकि हम ऐसी अमेजिंग वीडियोस लाते रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है तब हम रनाय नाम की लड़की को देखते हैं जो एल्बम में अपनी पुरानी पिक्चर्स देख रही होती है, और तभी वहाँ उनका बेटा डेल्टन आ जाता है और पिक्चर्स देखने बैठ जाता है। डेल्टन अपनी मदर रनाय की बचपन की पिक्चर्स देखने के बाद अपने फादर जोश की बचपन की पिक्चर्स देखने के बारे में पूछता है, जिस पे उसकी मदर कहती है कि तुम्हारे फादर अपनी पिक्चर्स संभाल के नहीं रखते थे, इसलिए उनकी कोई भी ऐसी एल्बम नहीं है। उसके बाद रनाय अपनी बुक्स को एक बुक शेल्फ में रखती है, लेकिन कोई इन बुक्स को गिरा देता है। रनाय को लगता है कि शायद उन बुक्स को बच्चों ने गिराया है, जिसके लिए वो उन्हें डांटती भी है, लेकिन असल में उन बुक्स को बच्चों ने नहीं बल्कि किसी सुपरनेचुरल पार ने गिराया होता है। फिर जोश के जॉब पे जाने के बाद रनाय सारे घर को मैनेज करती है। वो अपने सॉन्ग अपने सिंगिंग की प्रैक्टिस करने लगती है, और तभी उसके अपनी छोटी बेटी के रोने की आवाज़ आती है। वो फिर उसे चुप कराने जाती है, लेकिन काफ़ी चुप कराने के बाद भी बच्ची काफ़ी रो रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि रात को डेल्टन खेल रहा होता है तो लॉफ रूम का गेट अपने आप ही खुल जाता है। डेल्टन लॉफ रूम में जाता है, वहाँ पर लाइट ऑन करने के चक्कर में वो सीढ़ियों से स्लिप होके गिर जाता है, और वहीं पर डेल्टन किसी चीज़ को देखकर काफ़ी डर जाता है और चिल्लाता है। उसकी चीख सुनकर रनाय और जोश भागकर डेल्टन के पास आते हैं। डेल्टन वहाँ किस चीज़ को देखकर डरा था वो ये बात अपने पेरेंट्स को नहीं बताता। वो सिर्फ ये बताता है कि वो सीढ़ियों से गिर गया था, और गिरने की वजह से डेल्टन को मामूली चोट आती है। फिर जोश उसे उठाकर उसके रूम में ले जाता है। रनाय क्योंकि सुबह से ही अपनी म्यूज़िक शीट का बॉक्स ढूंढ रही होती है, तो वो बॉक्स उसे लॉफ रूम में ही मिलता है, और वो बॉक्स उसी साइड पर पड़ा हुआ था जिस साइड पे देख के डेल्टन डरा था। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जोश डेल्टन को उठाता है तो वो नहीं उठता, तो जोश और रनाय उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, और वहाँ उन्हें एक बैड न्यूज़ मिलती है कि डेल्टन कोमा में चला गया है। और यहाँ अजीब बात ये थी कि डेल्टन के कोमा में जाने का असली रीज़न डॉक्टर्स भी नहीं बता पा रहे थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उसकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। और फिर 3 महीने गुजर जाते हैं, डेल्टन की हालत में कोई सुधार नहीं था, इसीलिए मजबूरन जोश डेल्टन को घर ले आता है। फिर रनाय जब सिंगिंग प्रैक्टिस कर रही होती है तब उसकी बेबी के रूम से बेबी मॉनिटर में कुछ लोगों के बोलने की आवाज़ें आती है, और वो आवाज़ें धीरे धीरे तेज़ होने लगती है। तो वो भाग के अपनी बेटी के रूम में जाती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। रात को रनाय का दूसरा बेटा फोस्टर उसे कहता है कि मैं अपना रूम चेंज करना चाहता हूँ। रीज़न पूछने पर वो बताता है कि रात को डेल्टन नींद में चलता है और उसे डर लगता है, क्योंकि फोस्टर का रूम डेल्टन के रूम के बिल्कुल सामने था। लेकिन रनाय उसकी बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि डेल्टन तो कोमा में था। फिर रात को फोस्टर की आँख खुलती है और वो देखता है कि डेल्टन सो रहा है, तो वो अपने रूम का गेट बंद कर देता है। तभी वो नोटिस करता है कि उसके रूम के बाहर कोई चल रहा है, तो फोस्टर डर कर जल्दी से अपने बेड पर आ जाता है। फिर जोश और रनाय अपने रूम में होते हैं तब उनके मेन गेट पर नोक होता है। जोश वहां जाके चेक करता है, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। फिर जोश गेट बंद करके सिक्योरिटी अलार्म सेट करके अपने रूम में आ रहा होता है, तभी अचानक वो अलार्म बजने लगता है। तो जोश भाग के वहां जाके चेक करता है और देखता है कि गेट खुला हुआ है। वो गेट बंद करता है और अलार्म भी बंद कर देता है, और तभी रनाय को अपने बेटी के रोने की आवाज़ आती है। वो जब अपने बेटी के रूम में जाती है तो वहाँ उसे एक आदमी नज़र आता है, तो वो डर जाती है और चिल्लाने लगती है। जोश भाग के वहाँ पर आता है और रनाय बताती है कि इसी रूम में अभी कोई था। जोश सारे रूम को चेक करता है। अब जोश जब दोबारा मेन डोर के पास आता है तो देखता है कि गेट फिर से खुला हुआ है जो अभी उसने बंद किया था। वो फिर से गेट बंद करता है और अलार्म सेट करता है, और फिर वो पूरे घर को चेक करता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि इतना टाइम गुजर जाने के बाद भी डेल्टन की हालात में कोई सुधार नहीं था। डॉक्टर्स भी इसके पीछे असल वजह को नहीं जान पा रहे थे। रनाय को डेल्टन की बेडशीट पर खून से सने एक पंजे का निशान दिखता है। वो बहुत बुरी तरह डर जाती है और जोश को फ़ोन करती है, लेकिन जोश घर आने में देर कर देता है। इस पे उनका थोड़ा झगड़ा भी होता है। रनाय जोश को बताती है कि ये घर पोजेस्ड है
और जब से वो यहाँ आए हैं उनके साथ कुछ ना कुछ अजीब हो ही रहा है। उसे लगता था शायद इस घर में कोई गड़बड़ है और चीज़ें भी खुद ही मूव करने लगती है। रात को रनाए को सपने में डेल्टन के साथ एक शैतान दिखाई देता है जिससे वो काफ़ी डर जाती है और नींद से जाग जाती है। तभी रनाए को बाहर किसी की परछाई नज़र आती है और वो आदमी रनाए के रूम में आ जाता है। रनाए डर के कारण चिल्लाने लगती है। जोश भागकर वहां आता है तो रनाए उसे कहती है कि अब वो इस घर में और नहीं रहना चाहती क्योंकि ये घर हॉन्टेड है। वो लोग फिर दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं। शिफ्टिंग में उनकी हेल्प करने जोश की मदर लोरेन वहां आती है। एक पिक्चर को देखकर लोरेन हैरान हो जाती है कि जोश ने अपनी फैमिली के साथ पिक्चर बनवाई है। रनाए को उस घर में भी काफ़ी अजीब चीज़ें फील होती है और इसे एक बच्चे का घोस्ट नज़र आता है और घर के गेट्स अपने आप खुलने और बंद होने लगते हैं। रनाए ऑब्जर्व करती है कि उस बच्चे का घोस्ट डेल्टन के रूम में जाके छुप जाता है। रनाए एक बार फिर डर जाती है और जोश को बताती है कि पिछले घर का शैतान उनके पीछे यहाँ भी आ गया है और उस बच्चे के भूत के बारे में भी बताती है, जिस पे लोरेन भी रनाए का ही साथ देती है और बताती है कि मैंने सपने में एक शैतान को देखा और जब मैंने उसे पूछा कि वो यहाँ क्यों आया है और चाहता क्या है तो उसने कहा मुझे डेल्टन चाहिए। और तभी बातों के दौरान वही शैतान लोरेन को जोश के पीछे नज़र आता है जिसे देखकर वो बुरी तरह डर जाती है। और इतने में डेल्टन के रूम से भी आवाज़ें आनी शुरू हो जाती है और वो भागकर वहां जाते हैं तो देखते हैं कि उस रूम का सारा सामान बिखरा हुआ है और डेल्टन भी नीचे गिरा हुआ है जैसे कि कोई था वहां पर। ये सब देखकर रनाए बहुत ज़्यादा डर जाती है तो लोरेन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की स्पेशलिस्ट एलिस को बुलाती है। एलिस घर आती है और डेल्टन के रूम में जाती है तो वहाँ उसे किसी शैतान की प्रेजेंस फील होती है। एलिस को वो शैतान नज़र आता है और उसका इरादा भी पता लग जाता। फिर वो जोश और रनाए को बताती है कि डेल्टन कोमा में नहीं है बल्कि उसकी ऐसी हालत एक ऐसी खूबी की वजह से हुई है जो हर किसी के पास नहीं होती और इसी खूबी के कारण डेल्टन का सोल इस दुनिया को छोड़कर कहीं भी जा सकता है। और फिलहाल डेल्टन का सोल इस दुनिया में चला गया है जहां मरे हुए लोग रहते हैं, यानी उसका सोल भूतों की दुनिया में चला गया है, इसीलिए घर बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ा। डेल्टन के वहाँ होने की वजह से सारे शैतान उसकी तरफ आ रहे हैं ताकि उसे पोजेस कर सके। किसी भी इंसान को पजेस करना इतना भी आसान नहीं होता, इसीलिए ये सारे शैतान काफ़ी अरसे से ये कोशिशें कर रहे हैं। फिर जोश डेल्टन के पास जाता है और कहता है अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो कोई इशारा करो। और तभी डेल्टन का बनाया हुआ एक स्केच नीचे गिरता है और जोश की नज़र डेल्टन के बनाए हुए बाकी के स्केचेस पर पड़ती है और उनमें एक स्केच उस शैतान का भी होता है। इस पर जोश को रियलाइज़ होता है कि एलिस सही कह रही है। एलिस और उसके साथी डेल्टन के साथ कनेक्ट करने की ट्राई करते हैं और डेल्टन उनकी आवाज़ सुनने लगता है और रिप्लाई भी करता है कि वो एक आदमी से डरा हुआ है जिसके चेहरे पर आग है। फिर डेल्टन इन लोगों से बात करने से डरने लगता है क्योंकि उसे फील होता है कि उस शैतान ने उनकी बातें सुन ली है और ये डरी हुई आवाज़ में वो ये बात उनको भी बताता है। तभी इन लोगों के साथ अजीब चीज़ें होने लगती है और डेल्टन अपने बेड से उठकर इन लोगों के पास आ जाता है और अपनी पावर से इन सब को इधर उधर फेंक देता है और सारा सामान भी बिखेर देता है। और तभी बाकी के घोस्ट भी वहां पर पहुंच जाते हैं। उनमें से एक घोस्ट रनाए को पकड़कर डरा देता है। इस बार जोश भी उसे देख लेता है और जब जोश रनाए को बचाने आता है तो वो उसे दूर फेंक देता है। और इन सब के दौरान एलिस डेल्टन के शरीर से उस शैतान को भगाने की कोशिश करती है। तभी सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती है लेकिन डेल्टन अभी भी कोमा में ही था और कुछ देर पहले हुई सारी चीज़ों की रिकॉर्डिंग दिखाई जाती है कि वो शैतान डेल्टन के पीछे ही खड़ा था जो उसे पोजेस करना चाहता था और वो ही डेल्टन से वो सब करवा रहा था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लोरेन जोश को बताती है कि जब वो 8 साल का था तब नींद में डर जाता था
और उसे एक बूढ़ी औरत नजर आती थी। ये बात वो अपनी माँ को बताता था, पर लोरेन उसकी बातों पे कभी ध्यान नहीं देती थी। लेकिन जब लोरेन जोश की पिक्चर्स लेती थी तो सभी पिक्चर्स में उसके साथ साथ वो बूढ़ी औरत भी कैप्चर होती थी। वो जोश के सोल को अपनी दुनिया में ले जाके उसके शरीर को पजेस करना चाहती थी। ये सब बताने के बाद वो कहती है कि उसने एलिस की मदद से जोश को बचा लिया था। एलिस ने जोश के माइंड से वो सारी भयानक मेमोरीज रिमूव कर दी थी, लेकिन जोश फोटोज़ करवाने से आज भी डरता था और इसी कारण उसके बचपन की कोई फोटोज़ उसके पास नहीं थी। अब फिर एलिस कहती है कि जोश ही है जो मरे हुए लोगों की दुनिया में जाकर डेल्टन को बचाकर वापस ला सकता है, और तुम्हें इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि वहाँ के लोगों को पता ना लगे कि तुम इस दुनिया से गए हो, वरना वो तुम्हारी बॉडी के लिए भी यहाँ आ जाएंगे। और फिर एलिस की मदद से जोश दूसरी दुनिया में चला जाता है और डेल्टन को ढूंढता है। इसी दौरान वो काफ़ी सारे घोस्ट को देखता है। आगे जाके उसे जंजीरों में जकड़ा हुआ डेल्टन मिल जाता है। वो उसके पास जाता है तो डेल्टन जोश को बताता है कि वहाँ एक शैतान है और उसी ने उसे यहाँ रखा हुआ है। जोश डेल्टन को उन जंजीरों से आज़ाद करता है और तभी वो शैतान उसे देख लेता है और उस पर अटैक करता है। जोश किसी तरह अपनी जान बचाते हुए डेल्टन को लेकर भागता है, लेकिन इतने सारे भूतों के कारण वो वहाँ से आसानी से वापस नहीं आ पाता। और दूसरी तरफ रेनाए उसकी हेल्प करने के लिए उसे आवाज़ें लगा रही होती हैं, और तभी जोश घर के अंदर आ जाता है और डेल्टन को अंदर छोड़ देता है ताकि वो अपनी बॉडी के पास चला जाए। डेल्टन जाने लगता है तो वो शैतान वहाँ पहुँच जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। डेल्टन भी काफ़ी कोशिशों के बाद अपनी बॉडी के पास आ ही जाता है, और इसके बाद दिखाया जाता है कि जोश को वही बूढ़ी औरत नज़र आती है जिससे वो बचपन में देखा करता था। जोश उसे कहता है कि चले जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो, और वो वहाँ अंधेरे में गायब हो जाती है। फिर डेल्टन और जोश होश में आ जाते हैं। ये देखकर सब लोग बहुत खुश होते हैं कि आखिर में सब ठीक हो गया। लेकिन क्या सच में सब ठीक हो गया था? एलिस और उसके साथी अपना सामान पैक कर रहे होते हैं और जोश अपनी पुरानी पिक्चर्स एलिस को वापस करता है। उसी दौरान एलिस जोश के हाथ को देखकर चौंक जाती है, क्योंकि उसका हाथ बूढ़ी औरत की तरह लग रहा था, और उसकी पिक्चर क्लिक करती है तो जोश काफ़ी भड़क जाता है। तो यहाँ हमें पता लगता है कि उस बूढ़ी औरत ने जोश को पजेस कर लिया था और जोश का सोल दूसरी दुनिया में फंस गया था। जोश एलिस पे अटैक करता है और उसे मार देता है। एलिस के चीखने की आवाज़ सुनकर रेनाए उसे देखने जाती है और उसे मरा हुआ देखकर बुरी तरह डर जाती है, और फिर वो कैमरे में देखती है जहाँ उसे वो बूढ़ी औरत दिखाई देती है। वो फिर जोश को ढूंढने लगती है। तभी उसके पीछे जोश आता है और कहता है आई एम हियर, और रेनाए पीछे मुड़ जाती है, और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। अब इसके आगे क्या हुआ ये तो आपको इंसीडियस सीरीज के अगले वीडियो में ही पता चलेगा। तो अगर आप उस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हैं तो हमारे चैनल सीन ड्रीम्स को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।